जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी जेसीओ ओआर के लिए सर्विंग हो या रिटायर्ड सैनिक हो, एट पे कमीशन में समान एमएसपी होगी। सेना भवन ने जेसीओ ओआर की एमएसपी पर लेटेस्ट जवाब दिया है और इस जवाब में क्या कहा है पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली है। बता दें कि समान एमएसपी के लिए सेना भवन को लेटर लिखा गया था। इसमें सेना भवन ने जो जवाब दिया है वो लेटर दिखाते हैं। सबसे पहले तो काफी दिनों से मांग थी समान एमएसपी पर एक्स सर्विसमैन, पेंशनर्स और सर्विंग जवानों की। तो सेना भवन ने जो जवाब दिया है ये 16/1/2023 को जवाब आया है, 16/1/2023 को भेजा है, लेकिन जवाब कल आया है। इसमें कहा गया है जो जिन्होंने मांगा था जवाब वो श्री कुमार थे, जो कि नॉर्थ यानी केरला के थे। इनका समान एमएसपी पर जवाब जो मांगा था इसमें कहा गया था ग्रीवेंस थी इनकी अपग्रेडेशन ऑफ पे लेवल ऑफ जेसीओ एंड इक्वावेलेंट, यानी जेसीओ और इक्वावेलेंट के लिए पे लेवल ग्रेड में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसमें कहा गया रेफरेंस नंबर भी दिया है, डेट 1/8/2022 का रिसीव फ्रॉम डिवीजन, डिवीजन वाइड लेटर नंबर भी दिया है 13/1/2023 का। अभी इसमें देख लेते हैं कि क्या दिया है। 2 ही दिन में इन्होंने जवाब दिया है। इसमें दिया है द प्रेजेंट पे लेवल एंड एमएसपी इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल हैव बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC, यानी जो 7 CPC में रिकमेंडेशन किया गया था एमएसपी का, उस हिसाब से आप लोगों को एमएसपी मिल रहा है। द सेम वेयर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली आर्मर्ड फोर्स पे रूल्स रेगुलेशन 2017, 2017 के अनुसार गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था, इशू बाय द डिवीजन, और उसी हिसाब से आपको एमएसपी मिल रहा था। लेकिन हाउएवर इन फ्यूचर, फ्यूचर में इफ एनी डिमांड फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस सर्विसेज रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन ऑफ पे लेवल और इक्वल एमएसपी पर आर्मर्ड फोर्स की तरफ से अगर कहीं कोई डिमांड ऐसी आएगी तो रिसीव होगी इनको, तो द सेम विल बी रेफर टू द नेक्स्ट पे कमीशन। नेक्स्ट पे कमीशन पर इसको रेफर कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट पे कमीशन पर इसको आगे दे दिया जाएगा कि नेक्स्ट पे कमीशन में समान एमएसपी की जाए और भी कई तरह के अलाउंस हैं उसके बारे में भी समान किया जाए। तो अगर सेना की तरफ से ऐसा, आर्मर्ड फोर्स की तरफ से ऐसा कोई रेफरेंस आएगा तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट पे कमीशन में। तो ये अपडेट है। समान एमएसपी होने का अभी केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी लेटेस्ट जानकारी यही है कि उसका डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब इसमें क्या होगा, इसका जो हियरिंग चल रही है उसका आगे अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।